हेलो एवरीवन वेलकम टू द इन्फो स्टोर हाउस कैसे हैं आप सब होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फिट फाइट एंड हेल्दी तो आज है फोर्टीन ऑफ फेब एंड इट्स वेलेंटाइंस डे एंड विश यू ऑल वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे तो आज भाई जो मेरे वैलेंटाइन है वो तो गए हुए हैं ऑफिस टाइम हो रहा है तीन दोपहर के तीन बज रहे हैं और सुबह से मैंने ऐसा कोई इंटरेस्टिंग काम नहीं करा कि जो मैं शूट करूँ बहुत ही नॉर्मल रूटीन वाला डे रहा बस सुबह मुझे एक सरप्राइज़ मिला था एक चॉकलेट और एक रोज़ जो सरप्राइज़ इन्होंने मुझे दिया था आ, लेकिन मैंने कोई सरप्राइज़ प्लान नहीं करा और मुझे समझ भी नहीं आ रहा मैं क्या प्लान करूँ मैं हर बार कुछ ना कुछ करती हूँ लेकिन इस बार एक्चुअली कल हम सेलिब्रेट करके आए थे और सब मिले थे इतनी मस्ती करी थी तो आज कुछ समझ नहीं आ रही इनकी छुट्टी होती तो कुछ करते भी मतलब चाहे कहीं जाते या साथ में कुछ प्लान करते अब अकेले अकेले क्या प्लान करूँ या सात बजे वो घर आएंगे बस मैंने आ, पहले मैंने सोचा था कि मैं डिनर कुछ बनाऊंगी अच्छा सा कुछ प्लान करते हैं कुछ बढ़िया सा डिनर बनाऊंगी लेकिन हमारे घर में दो प्याज और दो टमाटर के अलावा कोई सब्जी नहीं है कोई भी सब्जी नहीं है इसलिए मुझे समझ ही नहीं आ रहा भाई क्या बनाऊँ तो फिर भी मैंने उन दो प्याज और दो टमाटर की मदद से दाल मखनी बनाई है तीन चार आलू रखे थे वो बॉईल कर दिए और प्लान है टिक्की बना दूंगी तो उनके उनको टिक्की पसंद है तो मैं टिक्की बनाऊँगी और दाल बनाई बनाइए और सोच रही हूँ नान बना दूँ और रायता तो एक अच्छा सा डिनर हो जाएगा बस इतना ही मेरा प्लान है आज हम कहीं बाहर जाते नहीं हैं क्योंकि हर जगह इतनी भीड़ होती है इतनी भीड़ होती है कि समझ ही नहीं आता यार कहाँ जाएंगे इतनी भीड़ में इसलिए कहीं नहीं जा रहे घर में ही सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि कल घूम कर आए हैं तो आज जाने का कोई सेंस नहीं बनता इतनी जल्दी तो अभी बच्चे आने वाले हैं पढ़ने अभी मैं पढ़ाऊँगी और उसके बाद बाकी का जो भी डिनर है वो बनाऊँगी और मिलती हूँ मैं आपसे फिर थोड़ी देर बाद सो टाइम इज़ सिक्स फिफ्टीन ईवनिंग और आई एम ट्राइंग कि मैं कुछ बना पाऊँ अभी बहुत ज़्यादा एक तो ऑप्शन नहीं है मेरे पास क्योंकि इन्ग्रीडियंट्स नहीं है सब्जी वगैरह नहीं है जीरा राइस बनाऊंगी, नान बनाऊंगी, दाल मखनी होगी टिक्की बना दूंगी, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं शादी के बाद ऐसे चाहिए होता है कभी कभी ऐसा ही होता है तो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है भाई वैलेंटाइन की प्रिपरेशन और इसके लिए सिर्फ मैं डिनर बनाने वाली हूँ तो बाल टाइप करके मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल किचन में काम करने के लिए रेडी तो लेट स्टार्ट तो सबसे पहले मैंने जो मैदा का डो बना के रख दिया है नान के लिए जो चाहिए वो डो बना के रेडी करके रख दिया रेस्ट करने के लिए और यहाँ पे टिक्की के लिए मैं डो तैयार कर रही हूँ अरारोट वगैरह सब मिला के स्टार्च वगैरह सब मिला के और अब यहाँ पे रेडी हो रहा है रायता जो वेजिटेबल रायता बनेगा तो रायता मैं हमेशा पहले टेस्ट कर लेती हूँ और अभी हस्बैंड आ गए थे और देखो ये मेरे लिए क्या लेकर आए हैं स्ट्रॉबेरीज लेकर आए हैं एक दिन पहले ही मैं उनसे ना स्ट्रॉबेरी मांग रही थी तो हम लोग जब गए थे ना तो मैं रास्ते में स्ट्रॉबेरी बोला था मुझे लेनी है तो वो लेकर आए हैं आज यहाँ पे किचन में काम करना ना बच्चे के साथ सच में काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है कई बार क्योंकि पता नहीं चलता वो कब कहाँ से किधर से इधर आ जाता है और क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ना बिल्कुल जो फ्रंट बर्नर है ना दोनों पे तवे रखे हैं और एक पे तो तेल चढ़ा हुआ है तो यहाँ पे बहुत केयरफुल रहना पड़ता है बच्चे के साथ में तो ये लीजिए टिक्की भी एक तरफ तैयार है और नान भी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं बिल्कुल तंदूर वाले नान बनाए हैं गार्लिक बटर नान है तो जो आज मैं बेस्ट एंड बेस्ट कर पा रही हूँ वो यही है कि आज मैंने बनाई है बहुत ही अच्छी टिक्की और साथ में है दाल मखनी रायता सैलेड और बटर नान बटर गार्लिक नान है तो चलो आज देखते हैं टेस्ट कराते हैं तिवारी जी को और कैसा होता है रिव्यू बताती हूँ तो वैलेंटाइन पे ना मैं बस ने? इतना ही कर पाई और मैं कुछ भी नहीं कर पाई क्योंकि मैं कहीं गई नहीं कुछ लाई नहीं अच्छा लगा टेस्टी लग है, है टिक्की कैसी है इसको देखो अच्छा ये नान और दाल मखनी बताना टिक्की तो हम्म टिक्की बिल्कुल बी डब्ल्यू की टिक्की को टक्कर दे रही है नान बताना कैसे बने नान आज मुझे बहुत ही ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या होएगा आज कैसे है अच्छे है ना तो जो हरकतें कर रहे हो तो फूटोगे नान मेरे को लग रहा था आज खराब हो जाएंगे कौन टुकन क्या अच्छा है ये कीरा कह रहा है कह रहा है ये अच्छी है <laughs> अच्छा और तुम भी खाओ ये कुछ दाल चीजें नहीं आप खाओ ना मैं और बना रही हूँ मैं बना रही हूँ गरम-गरम बना रही हूँ आप लोग खाओ 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 तो कैसा लगा आपको आज का डिनर बहुत अच्छा थैंक यू हैप्पी वैलेंटाइन डे तो आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे एंड क्योंकि अभी बहुत सारा अभी मैं बना रही हूँ और अभी किचन काफ़ी मैस है तो मैं करूँगी अब से नेक्स्ट वीडियो में बात मिलूँगी अब नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गुड बाय डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बाय